कुछ हूँ जी। तो दोस्तों हमारे इधर मामा का कुछ काम था तो जाते वक्त हमारे घर में भी थोड़ा बैठ के बातचीत करके गए हैं और बहुत सालों बाद आया है सो, और वो लोग जो कार नहीं लेके आए हैं सो बाइक से आए हैं, बहुत ही दूर रास्ता जाना है उन लोगों को सो चाय वगैरह पी के चले गए हैं। थोड़ा मैं कैमरे में ये कैप्चर करके रखा उन लोगों को भी। नमस्ते खुलुम्बा और गिरासों, उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक है और हम भी ठीक ही है। और अभी हम जा रही हूँ लखीपुर भाई बुन्नी पहाड़, मतलब वहाँ भाई बुन्नी का मतलब है जो भाई और बहन। लगभग 8 साल हो गए हैं मैं वहाँ पे नहीं गए सो कितना कैसा हुआ है तो जाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी और मतलब दिखाऊँगी। सो भी मेरे साथ आप लोग भी आइए। तो वहाँ पे बहुत सारा उस मेमोरेबल है जो मैंने सुना है और मैं आप लोग के सामने आज जो वो दिखाने जा रही हूँ। और दोस्तों हम लोग आ पहुँचे हो, जब हम यहाँ पे पहुँच गए तब ना भीड़ नहीं था, मतलब 3 बजे में हम आए। हाथी सिलन पड़ेगा गोवालपुरा डिस्ट्रिक्ट की बुकुल टोला लखीपुर एरिया में है ये जो पहाड़ी भाई बुन्नी कहलाते हैं। इस पहाड़ी प्रकृति की पर में निर्भर जितना भी यहाँ पे पहले जमाने में पशु पक्षियाँ थे बहुत सारे, लेकिन अभी तो नियति सब कुछ खत्म हो गए। तो यही बताऊँ जो मंदिर के ऊपर जा रही है, आप लोगों ने बता दिया कि मैं मंदिर के ऊपर मैं नहीं जाऊंगी तो नीचे में ही अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे मजे ले रही हूँ हाथों में और माँ और थोड़ा बैठ के सेल्फी वगैरह खींच के। अभी जो हिस्टोरिकल है ना वो हमारे राभा लोगों की जो मंदिर वहाँ पे जा रही हूँ। और भी मन में बुरा लग रहा था क्योंकि ऊपर मंदिर को आप लोग अच्छी तरह दिखा नहीं पाई हूँ और नीचे में इस तरह विष्णु के लिए बिक्री ना होने की तरह बेच रही है भैया लोग से ना शाखा बेच रहे का दे मानो ना है ना अभी आइबो विष्णु के लिए किमान करे 20 টাকা 40 টাকা ना কোনটা 20 টাকা पंखा ले लिया है। ए सिंगर अच्छा हां अच्छा ये पूर्व दक्षिण दिशाओं में जो अब यहाँ अवस्थित है जो बहुत ही बड़ा गुहा था यहाँ पे, और इस गुहा पे अजगर रहता था और वो राभा टाइटल जो बक्सोक बराए के लाते हैं ना उन लोगों की जो कन्या है ना ये यहाँ पे दान देना पड़ता था। और बाद में उस अजगर को दो भाई मतलब जौनथारू पंथारू वहाँ पहाड़ों में लिखा हुआ है उन लोग इसको बद किया। उनके बाद यहाँ पे ऐसे पूजा अर्चना चलती आ रही है तो उन लोगों की बहुत सी ऐसा हिस्टोरिकल है यहाँ। और इधर देख सकते हो तो बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं देख। और भूकंप की दौरान यहाँ जो पत्थर है ना वो और थोड़ा नीचे आ गए हैं क्योंकि प्रकृति का नियम बदलते रहते हैं। तो यही
और उसके पास में ही जो झरना और नदियाँ की तरह आप लोगों को दिखाई दे रही है ना, और बहुत सी जगह है और वहाँ पे मछली वगैरह मारने के लिए आते हैं। मतलब यहाँ बहुत सी सारा मछलियाँ वगैरह टॉर्टोइस वगैरह मिलते थे और अभी भी ऐसे जारी है और अभी भी मिलते हैं, हमारे उधर से यहाँ पे आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे ना सिल्वर जुबली चल रही है और अलग सी गाँव में जो वो सिगरी छोटो सिगरी गांव में चल रही थी, और दूर दूर की धुबरी डिस्ट्रिक्ट और कहाँ कहाँ तामुलपुरिया जितनी भी उन लोग का जो बक्सो बराई का टाइटल है ना, उन लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इतना पास नहीं जा सकती ना जो मंदिर में, नहीं तो मैं उन वहाँ की पंडित को अच्छी तरह से पूछ लेती, और समय भी नहीं है हमारे बक्सो बराई नहीं वे चिंग मैन चिंग बांगना यानी पूरी हाउ পরিচালনা খারকায় না এগায় হাও পূজাও পূজা কমিটিনি পরিচালনা খারকায় একদম দেখায় আন ছান রং ছানা আমার বাবা দিনটা তার রঙা একেন শুকিয়ে দেয় তো না যা দাদা টিশন দেবে তো না তো দে। সো দোস্ত ওহা পে বহুত সারে জান পেহচান কো মিলিয়া ওর হাম সোসে और बचपन का याद आ गया, क्योंकि हम जब हाई स्कूल में पढ़ते थे ना तब ये ज़रूर खाते थे, 5 रुपया में मिलते हैं, अभी भी 5 रुपया, लेकिन मटका कुल्फी बोलते हैं शायद, बहुत अच्छा इसका जो टेस्ट है ना अभी भी वैसे की वैसे ही है। আইসক্রিম কই আছে কি আইসক্রিম খাইছে না কিটা মোটকা কুলফি আপু মাসে জবাই নিয়ে मेले में घूम के जो हमको चाहिए वो हमने ले लिया है, और अभी हम यहाँ गोलगप्पे खाने वाले हैं, क्योंकि गोलगप्पे नहीं खाती हूँ और गर्मी भी लग रही है ना, और खा के लेकिन बहुत टेस्ट अच्छा लगा टेस्ट, मतलब माँ भी खा लिया। जब हम बचपन में यहाँ आया करता था तब बाबा हमको लेके आए थे ना, आते थे, मतलब यहाँ जो तरबूज है ना उसको ले बिना तो नहीं जाते थे, लेकिन इस बार हमने तरबूज वगैरह नहीं लिया। और देखो हम इधर शॉर्टकट उस रास्ते से निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम पिलपिली से आए हैं तो पिलपिली भी पकड़ना है, और देखो पत्थर ही पत्थर। सो दोस्तों वीडियो को आज सब लोगों को कैसा लगा, थोड़ा बहुत हमने जो देखा जो जाना वो आप लोग को बताने की कोशिश किया। आई होप अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मिलेंगे ऐसे अच्छे अच्छे नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहना, अच्छे रहना, पॉजिटिव रहना, स्माइल करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।